मोह की ग्रंथि कैसे खुलेगी, ये प्रश्न है आपके। मोह हमारा खुद का ही तो बनाया हुआ है, हम खुद ही तो अटैच हैं। किसी मोह की ग्रंथि किसी और ने तो बांधी नहीं है हमको, मोह की ग्रंथि तो हमने खुद ही बनाई हुई है अपनी ना। उस मोह की ग्रंथि में आप फंसे रहेंगे, खुद ही नहीं छोड़ेंगे तो वो तो खुलेगी नहीं कभी। आप खुद नहीं खोलना चाहेंगे तो कभी नहीं खुलेगी। एक एग्जांपल मैं देती हूँ, वृंदावन में एक बार मेरे हाथ में सेब था, तो उस सेब मैं खा रही थी तो एक बंदर ने मुझ पे एक अटैक के जैसे किया। वो अटैक करते ही मेरी बुद्धि को या मुझे इंस्टेंटली ये समझ में आया कि वो उसको एप्पल चाहिए, वो मेरे सेब के ऊपर अटैक कर रहा है, मेरे ऊपर अटैक क्यों करेगा। तो वो सेब मेरे हाथ से एकदम से छूट गया, मैंने फेंक दिया, मैंने फेंका, बंदर उस सेब के पास चला गया। ठीक है, अभी मैं वो सेब मैं अपनी तरफ खींचती रहती, पकड़ते रहती, संभालते रहती, नहीं छोड़ने बोलते रहती, मेरा है ना, मैं उससे अटैच्ड हूँ, मेरा मोह है, मुझे भूख लगी है। तो वो बंदर मुझसे सेब लेने के लिए मुझ पे अटैक करता है ना, तो वो मोह को फेंकना पड़ता है, खुद मोह को खुद छोड़ना पड़ता है, तब काल आपको त्याग देगा। काल भगवान स्वयं जी तो काल के रूप में, मृत्यु के रूप में आते हैं। जो भगवान से अटैच्ड है, भगवान अपने विष्णु फॉर्म में उनको लेने आते हैं, वैकुंठ लेके जाते हैं। और जो कर्मी है या संसार में जो अटैच्ड है, वो मृत्यु के रूप में भगवान स्वयं आते हैं, यम के दूतों के रूप में भगवान स्वयं आते हैं उनको लेने। भगवान कालो अस्मि भगवान बोलते हैं ना भगवद गीता में, भगवान काल के रूप में आते हैं जीव को लेने। आपका प्रश्न ये था कि मोह की ग्रंथि कैसे खुलेगी और हर समय मृत्यु का भय लेकर मैं नहीं जी सकती। तो हर समय मृत्यु का भय तो रहेगा ही ना, आप नहीं मोह छोड़ेंगी तो मृत्यु का भय तो रहेगा ही ना। वो बंदर तो मुझ पे अटैक करेगा ही ना, अगर मैं वो सेब को मोह को नहीं छोड़ देती, नहीं फेंक देती, तो वो बंदर तो मुझ पे ही अटैक करेगा, क्योंकि उसको जो चाहिए वो ये अटैचमेंट है, मेरा सेब के प्रति अटैचमेंट। वो बंदर को तो वो सेब चाहिए, तो वो अटैचमेंट मेरा छूटा तो वो काल के रूप में भगवान स्वयं आएंगे, और वो मोह नहीं छूटा, काल के रूप में यम के दूत आपको लेके जाएंगे। तो अब वो मोह की ग्रंथि खुलेगी कैसे, आप खुद फेंकेंगे। अटैचमेंट है तो उसको जब डिटैचमेंट में आप परिवर्तित करना चाहोगे तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है, बहुत पेनफुल होता है छोड़ना। ये पेनफुल परिस्थिति तक आइए और फिर देखिए डिटैचमेंट होता है कि मोह की ग्रंथि खुलती है कि खोलनी आपको खुद पड़ेगी, कोई नहीं आके खोलेगा, आपको ये प्रयास करना पड़ेगा। कनेक्टिविटी वहाँ पे ये हो जाती है कि जब आप हरिनाम लेते हैं तो ये मोह की ग्रंथि, हरिनाम अच्छे से लेते हैं तो ये मोह की ग्रंथि अपने आप धीरे धीरे खुलती चली जाती है। ये कैसे हो सकता है कि आपको कृष्ण के प्रति अटैचमेंट हो रहा है, आप धीरे धीरे एक एक कदम करके हरिनाम लेते लेते कृष्ण की तरफ बढ़ रहे हैं और आपका संसार के प्रति जो मोह है वो टूट नहीं रहा, ये हो ही नहीं सकता। 10 11 12 14 साल आप जप कर रहे हैं तो आपको संसार से डिटैचमेंट ना हो, ये संभव ही नहीं है, असंभव है। तो वो अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं हरिनाम जप में कुछ ना कुछ त्रुटि हो रही है, तो उसका प्रयास कीजिए कि वो त्रुटि आपसे ना हो, हरिनाम आप अच्छे से ले पाएँ, मोह की ग्रंथि धीरे धीरे खुल जाएगी। और आप अपनी तरफ से भी प्रयास कीजिए कि मोह की ग्रंथि धीरे धीरे, शरीर से पूरी तरह से सेवा करनी है, पूरे परिवार की, बच्चों की, घर की, समाज की, जो भी सेवा आपका आपकी आपकी ड्यूटीज़ हैं वो पूरी करनी है शरीर से, लेकिन मन से अटैचमेंट नहीं रखना है, मन से मोह छोड़ देना है। तो मोह छोड़ा वो ग्रंथि अपने आप खुलेगी, आप खुद खोलेंगे। तो प्रयास कीजिए कि हरिनाम अच्छे से लीजिए और शरीर से पूरे सबकी सेवा कीजिए, लेकिन मन बुद्धि अहंकार से कृष्ण की सेवा कीजिए, मन बुद्धि अहंकार को कृष्ण को समर्पित कर दीजिए, तो अपने आप मुक्ति ग्रंथि खुलेगी। अगला प्रश्न है कि राधा रानी क्या मुझे स्वीकार करेंगी, क्या मुझे वृंदावन वास मिलेगा, क्या वृंदावन में वास करने की आशा करना ठीक है, मैं तो अच्छी भक्त नहीं हूँ, मैं तो कलमश बुद्धि वाली हूँ, क्या मुझे वृंदावन वास मिलेगा। जब आप हरि नाम ले रहे हैं, जब आप डीडी वर्शिप कर रहे हैं, जब आप स्क्रिप्चर्स का अध्ययन कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी वृंदावन वास कर रहे हैं, मन से वृंदावन में ही वास कर रहे हैं, शरीर से किधर भी रहे लेकिन मन से अगर आप वृंदावन शरीर को वृंदावन में ले गए,
आप शरीर से वृंदावन में वास कर रहे हैं, लेकिन याद आपको अपने शहर की आ रही है, अपने परिवार की आ रही है, अपने दोस्तों की आ रही है। आप व्हाट्सएप पे, आप फोन कॉल्स पे सारा दिन अपने परिवार से बात कर रहे हैं या अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं या वृंदावन के बाहर के लोगों से आप फालतू की चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे वृंदावन वास का क्या फायदा? और उससे उससे भला ये है कि आप इसी संसार में रहिए, इसी संसार में कृष्ण भजन कीजिए और संसार से डिटैच रहिए, और यहाँ की सेवा करते करते मन बुद्धि अहंकार से आप प्रयास कीजिए कि आप वृंदावन वास कर रही हैं और ऑलरेडी आप हरिनाम ले रही हैं, कृष्ण के साथ रह रही हैं, कृष्ण के कृष्ण नाम का जप करना मतलब आप कृष्ण का संग कर रही हैं। और कृष्ण का संग कहाँ पे होगा? इट्स ऑब्वियस ना, कृष्ण का संग तो आपको वृंदावन में ही होता है। तो यहाँ कितने लोग हैं वृंदावन में कि वृंदावन वास उनको मिला, वृंदावन में उनको जन्म मिला, वृंदावन में वो रह रहे हैं, उसके बावजूद वो कृष्ण को नहीं जानते, कृष्ण को नहीं स्वीकार करते, कृष्ण को नहीं भजते, तो उनको कृष्ण का संग कहाँ है? अंततः शरीर छूटेगा तो वृंदावन के बाहर ही छूटेगा, क्योंकि यहाँ तो जीवन भर तो उन्होंने कृष्ण को प्रयास किया नहीं स्मरण करने का। लेकिन आप संसार में रहते हुए, एक एक सिटी में रहते हुए, आप ही आप जब मन से हृदय से कृष्ण को याद कर रहे हैं, कृष्ण का संग कर रहे हैं, तो आपको अंततः ये भरोसा रखिए कि आपको वृंदावन वास तो मिला हुआ है, लेकिन अंततः आपको शरीर त्यागने का अवसर भी वृंदावन में मिलेगा, क्योंकि आपने जीवन भर तो कृष्ण स्मरण के अलावा कुछ किया नहीं। श्रीमती राधा रानी की कृपा तो आप पे है, तभी तो आप उनके प्रिय श्री कृष्ण का नाम जप कर पा रही हैं। उनके प्रिय श्री कृष्ण का नाम जप करना श्रीमती राधा रानी की कृपा के बिना संभव ही नहीं है। आप कितने ही लोगों को प्रचार करते हैं, जाके बताते हैं कि आप हरिनाम लीजिए, कितने ही लोग हरिनाम ले पाते हैं? संभव नहीं हो पाता सबके लिए हरिनाम लेना, ये उसके लिए ही संभव हो पाता है जो जिस पर श्रीमती राधा रानी कृपा करती है। तो आप श्रीमती कितनी भी गंदी हैं, आप कहती हैं कि मैं गंदी हूँ, तो आप कितनी भी गंदी हैं, श्री हरि की आप पे कृपा है, श्रीमती राधा रानी की आप पे कृपा है, और आपका वृंदावन वास हो रहा है, आप जहाँ रह रही हैं वही वृंदावन।